नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में। हमारे साथ में हैं महाराज जी महंत ब्रज बिहारी दास जी गोवर्धन। महाराज जी, आपने पूरा एक महा कथा की है पुरुषोत्तम मास की, या अधिक मास की बात करें, और आज पूर्णाहुति की है। क्या पुण्य फल मिलता है भक्तों को? बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम महीने का क्या महत्व है, सबसे बड़ी विशेष बात इस महीने की ये है, पुरुषोत्तम का जो महीना है इसमें साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का जो अवतार है वो धारण किया है, आधा नर और आधा सिंह। दूसरे एक और विशेष बात है, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कभी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, जिसने जन्म लिया है उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है, फिर भी तुम मांगना चाहते हो, तुमने तप किया है तो मैं तुम्हारे लिए वरदान दूंगा, लेकिन उसमें अपनी मृत्यु में तुम्हें कोई कारण लगाना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि हे विधाता, आप मुझे ऐसा वरदान दो, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में कभी मेरी मृत्यु न हो, धरती में आकाश में सुबह शाम कभी भी मेरी मृत्यु न हो, और तो और जो आपकी बनाई हुई सृष्टि है, आपके हाथ से बनाया हुआ कोई भी जीव चराचर में मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। भगवान नारायण ने अब विचार किया, थोड़ा समय निकला, जब वरदान उसको मिल गया तो उसने अत्याचार किया, अधर्म किया, बड़े बड़े जो है उसने पाप आदि किए। अब देखा कि इसका भाई विनाश कैसे हो, वरदान मांग के ये अमर हो गया है। तो भगवान नारायण ने 13वां महीना बनाया जी। हाँ, इसी के लिए जो है इसका महत्व बना, 13वां महीना बनाया, और भगवान ने अपना आधा नर आधा सिंह का रूप बनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई प्राणी नहीं बनाया जो आधा मनुष्य हो और आधा पशु हो। तो भगवान ने उसको मारने के लिए तब ये स्वरूप धारण इस महीने में किया। अच्छा। और लक्ष्मी जी भी उनका दर्शन करने सतयुग में आई थी जी। तो ऐसा इस महीने का महात्म्य है। दान जप पुण्य व्रत आदि जो भी इस महीने में करेंगे वो अनंत गुना फल देता है। भक्त प्रहलाद के द्वारा सभी को, धर्म कर्म करने वालों को भगवान नारायण की जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस महीने का महात्म्य है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और सायंकाल के समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं जी, अपनी जंघाओं पर रखा, न घर के भीतर न घर के बाहर जी, जो देहली होती है वहाँ खड़े होकर नरसिंह भगवान ने जंघाओं पर इसको लिटाया, और किसी शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को इतना बड़ा किया कि इसके पेट को फाड़ के इसकी जो आंतड़ियाँ थीं उनको निकाल के अपने गले में डाला। भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, जैसे एक गाय अपने पुत्र यानी बछड़े को स्नेह करती है, ऐसे भगवान श्री हरि ने पुरुषोत्तम महीने में उसके पिता का अंत करके प्रहलाद को गोदी में बिठाया और अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्रहलाद को दिया, इसलिए इस महीने का महत्व कई गुना ज़्यादा हो गया है। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में जो भी हम करते हैं करने से उसका जो फल है वो अधिक गुना होता है, इसका ये महात्म्य है। और वैसे तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। लक्ष्मी जी ने भी वरदान दिया है, पुरुषोत्तम के महीने में जो स्नान करके महात्म्य को श्रवण करेगा, मैं स्वयं उसके घर में आऊँगी, सारे भंडारे भरूँगी, धन पुत्र वैभव संतति सब कुछ मेरी कृपा से उसको मिलेगा, नारायण भगवान की कृपा से जो उनकी भक्ति है वो मिलेगी, और ये लोक त्यागने के बाद परलोक उनको प्राप्त होगा जी। ये ध्रुव सत्य है। बोल नरसिंह भगवान की। धर्म ज्योति कार्यक्रम में ब्रज बिहारी दास जी महाराज हैं, गोवर्धन हैं,
महाराज जी नवरात्र की शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में क्या ऐसा मंत्र है या ऐसा विधि विधान है जिससे कि महामाया बहुत जल्द से भक्तों पर प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि बनाए? बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। अभी शनिवार दिनांक 17 से आश्विन मास के जो नवरात्रि जिनको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है जी। ये शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रि में 9 दिनों में भगवती जो महामाया जगदम्बा है उनका नाना प्रकार से स्तवन करने से आराधन करने से मनुष्य की सभी कामना पूरी हो जाती हैं। इन 9 दिनों में माता के जो 9 स्वरूप हैं, जैसे पहले दिन है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च महागौरीत चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री, नौमी जो देवी हैं वो सिद्धिदात्री हैं। प्रथम दिन से जो है शैलपुत्री माँ से ये नवरात्रि आरंभ होते हैं जी। तो शैलपुत्री जो हैं ये पार्वती माँ हैं, साक्षात जगदम्बा स्वरूप है इनका। इनकी उपासना करने से जो दाम्पत्य जीवन है, यानी आज की भाषा में हम कहें भाई मैरिज लाइफ, तो जो गृहस्थ जीवन है उमा पार्वती जगदम्बा शैलपुत्री इनकी आराधना करने से उसके अंदर एक सुंदर व्यवहार बनता है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है जी। जो हमारा गृहस्थ जीवन है ये अति उत्तम बनता है जी। और जो महामाई हैं, जैसे इनके 3 नाम हैं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, तीनों शक्ति स्वरूपा हैं, तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो जो जैसी उपासना करता है उसको वैसा फल मिल जाता है जी। महादेवी के कवच में हम पाठ करते हैं जिसमें आता है कि भाई रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही, यानी हे माँ मैंने आपकी उपासना की है, आप मुझे सुंदर स्वरूप दो, मुझे जय दिलाओ, मेरी मान प्रतिष्ठा यश ये सब बढ़े, व्यापार आदि बढ़े, रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही, और मेरा जो यश है वो बढ़े। और अंत में हमारी प्रार्थना है कि दुशो जही, यानी मेरे जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाए। तो शत्रु का अर्थ ये नहीं कि भाई कोई हमारा शत्रु है या बैरी है या हमारा अहित करने वाला, ज्ञानी लोग हम उनको शत्रु नहीं बोलते। हमारे दृष्टिकोण में जो शत्रु हैं जिनका हम नाश करने के लिए महामाई से प्रार्थना करते हैं, तो इस जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य, सबसे बड़े ये शत्रु हैं। अगर ये शत्रु हमारे जीवन में हमारी आत्मा में हमारे बुद्धि हमारे विचार में यदि नहीं रहें तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर बन सकता है। तो माँ से यही प्रार्थना है। कवच के अंत में हम कहते हैं पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, यानी जिसका व्यवहार नहीं हुआ अगर वो भगवती की उपासना करता है तो उसे श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त होती है जी। श्रेष्ठ मीन्स जो गुणवान है धर्मज्ञ है धर्म पर चलाने वाली है वो पत्नी श्रेष्ठ होती है, और ऐसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। खाली खाना बना दे काम कर दे जॉब कर ले मनी कमा के ले आए तो वो तो पत्नी नहीं, हमारी भाषा में उसको भाई मैडम कहो तो पत्नी मीन्स हमारे शास्त्रों में है धर्म पर चलाए, हमारे परिवार को बढ़िया सुंदर बनाए, हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन सब की सेवा करे उनका आदर करे। और सही मायने में तो यंग एज में व्यक्ति को पत्नी की आवश्यकता नहीं है, ओल्ड एज में यानी जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में एक जीव को दूसरे जीव के सहायता की आवश्यकता होती है जी। तो हे माँ ऐसी पत्नी मुझे मिले धर्म करने वाली परिवार को चलाने वाली धान्य की वृद्धि करने वाली और अंत अवस्था में हमारे साथ मिलके चलने वाली बड़ों का आदर करने वाली ऐसी पत्नी मिले जी। और ये सत्य है उसको मिलती है। अच्छा।
अच्छा, और जो ये सप्तशती का पाठ है या फिर दुर्गा चालीसा का, इसका क्या महत्व है नवरात्र में करने का? देखो, नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती है जी, ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया है जी। इसमें 700 मंत्रों का विवेचन किया है, 13 इसके अंदर अध्याय हैं। तो इसका जो विधिवत, एक तो सादा पाठ होता है, 13 अध्याय का पाठ है, कवच है, कीलक है, अर्घलास्त्रोत्र है जी। ये साधारण जो हम पाठ करते हैं तो हमारे गृहस्थियों के घर में कोई कष्ट नहीं आता है। हर तरह की जो हमारी इच्छा है, भाई पुत्र होना, पौत्र होना, संतति होना, संपत्ति होना, ये सब हमें इसके प्रभाव से मिल जाता है। लेकिन ये संस्कृत में है, संस्कृत हमारी देव भाषा है, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए फिर दुर्गा चालीसा है जी। जो साधारण हिंदी में 40 चौपाई हैं, उनका प्रातः सायंकाल जो जाप करता है उसको भी वही फल मिलता है जो सप्तशती के त्रयोदश अध्याय के पाठ करने का फल मिलता है। और एक इसका तीसरा रूप है जिसको कहा गया है विद्वानों की भाषा में, जो वेदांगी हैं, कि इसका षडंग पाठ होता है। षडंग पाठ करने वाला या संपुटित पाठ करने वाला अपनी सारी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लेता है जी। देवी के 6 अंग हैं, षड माने 6, अंग माने शरीर। तो षडंग जो माँ का स्वरूप है, षडंग पाठ करने वाला अपनी इच्छा को 9 दिन में पूरा कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है, माता पूर्ण कृपा कर देती है। बिहारी दास जी महाराज, गोवर्धन से हैं आप, वृंदावन की ऐसी क्या खास महिमा है, क्या ऐसा महत्व है कि वहाँ भक्त जाते हैं और इतनी लाखों की संख्या में जाते हैं महाराज जी? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने पूछा वृंदावन का महात्म क्या है और वृंदावन लोग क्यों जाते हैं। वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है, जहाँ भगवान ठाकुर जी लड्डू गोपाल खेले हैं, जिन्होंने जहाँ अपनी अनेक लीला की हैं। धन्यम वृंदावनम यस्यो भक्ति नृत्यति यत्र चो। विशेष बात ये है, जिसके अंदर भक्ति नहीं हो, भक्ति कम हो, उसे वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन में जाने से भक्ति का जो प्रसाद है वो जाने वाले को मिलता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है धन्यम वृंदावनम यस्यो भक्ति नृत्यति यत्र चो। इसका अर्थ है भक्ति जो महारानी है वो वृंदावन के गली गली में भ्रमण करती है। हम किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो आनंद वहाँ पर है शायद कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए कहा है, एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाके नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे, कोट बार काशी, केदार बंद रामेश्वर, इतने धाम कर तुम लौट घर आओगे। अरे होते हैं प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। सारे तीर्थ हमारे वृंदावन में निवास करते हैं, चारों धाम हमारे वृंदावन में हैं। 84 कोस की सारे ब्रजमंडल की यात्रा होती है, 84 कोस की परिक्रमा करने वाला 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। और यहाँ की विशेष बात, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोए, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। और वृंदावन में जिसने जन्म पाया, जो ब्रजवासी है, देहधारी है, उसके भाग्य की सराहना तो कोई कर ही नहीं सकता है। और यहाँ की विशेष बात, कीरत सुता जो है वो हमारी श्री राधा रानी है जी। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, माधव की केल कुंज कोट कोट काशी हैं। अरे जमुना में जगन्नाथ, उसकी रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे रहें यहाँ अयोध्या के वासी हैं, तर तर पे रहें यहाँ अयोध्या निवासी हैं। अंत में कहा है कि स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे, कहा जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं जी। वृंदावन की जो महिमा है, मुक्ति यहाँ पड़ी रहती है। एक बार मुक्ति ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे भगवान विष्णु मुझे बतलाइए कि मैं सारे संसार की मुक्ति करती हूँ,
अरे मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति भी तो हो। मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए। तब भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त भी मुक्त हो जाए। हे मुक्ति तुम वृंदावन जाओ, पड़ी रहो या गैल में जहाँ संत चले आएँ। वृंदावन की जो गली है उसमें जो ब्रज रज है तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। जब वहाँ संत आएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आएंगे, और जब उस रज में चलेंगे, उनके चरणों से उड़ी हुई जो ब्रज रज है जब तुम्हारे मस्तक पे लगेगी तो हे मुक्ति तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन में जाके तुम निवास करो। और सबसे बड़ी विशेष महिमा है वृंदावन की या ब्रज की, जो ब्रज रज है उसे पाने के लिए मुक्ति तरसती है, सारे देवता तरसते हैं, सारे देश विदेश सब हर व्यक्ति यहाँ की रज के लिए तरसता है। अब देखिए जो वहाँ गोपियाँ हैं जिन्होंने जन्म पाया है उनके लिए लिखा है कि या ब्रज की रज परस के मुक्ति पाए अत्याचार। इस ब्रज रज का स्पर्श करके मुक्ति ने मुक्ति पा ली। अब जिस रज को पाने से मुक्ति को मुक्ति मिल जाती है उस रज के लिए कहा है कि सो ब्रज रज बाला बधो डारत अंगन बुहार। उसको ब्रज की देवियाँ, ब्रजांगना, ब्रज गोपिका, वो उस रज को अपने आंगन में प्रातःकाल उठ के रोज झाड़ू लगाती हैं और झाड़ू लगा के अपने घर से बाहर फेंकती हैं। उसे कूड़ा मानती हैं, साधारण धूल ही मानती हैं, लेकिन उसी धूल को मुक्ति जब शीश पे चढ़ाती है तो मुक्त हो जाती है। धन्य है वो गोपियाँ, ब्रजांगना, ब्रज देवियाँ जिनको ब्रज रज मिली और साक्षात भगवान श्याम सुंदर मिले। ये ब्रज का, वृंदावन का पूर्ण महत्व है। महाराज जी क्या आज का गुरु मंत्र और क्या आज का ज्ञान मंत्र आप देंगे ठाकुर जी और महारानी के लिए, राधा रानी को मनाने के लिए, कैसे प्रसन्न करें उन्हें? देखो एक तो जैसे है नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ वेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारणे। राधाम कृष्ण स्वरूपमयि कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। पहले हमें ये समझना है, लोगों का ये भ्रम नहीं टूटता है, अज्ञानता बस जान नहीं पाते हैं। पहले तो समझो जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। प्राण एक है, आत्मा एक है, शरीर दो हैं। तो दो शरीर क्यों हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए ये जुगल जोड़ी जो स्वरूप है ये प्रकट हुआ है। तो राधा हमारी श्याम सुंदर की अहलादनी शक्ति हैं और गुरु भी हैं। और विशेष बात, श्री राधा रानी हमारे भगवान श्याम सुंदर से बहुत बड़ी हैं, यानी गुण कलाओं में। तो जैसे राम जी का जो रामा अवतार है वो 12 कला से हुआ है जी। हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण बांके बिहारी का जो अवतार है वो 16 कला से हुआ है, लेकिन हमारी जो राधा रानी है इनका अवतार श्याम सुंदर से 4 गुना ज़्यादा, यानी 16 चौका 64 जी। 64 कलाओं से राधा रानी का अवतार है जी। राधा रानी को मना लो, श्याम सुंदर तो अपने आप मान जाएंगे, तुम्हारे घर में आ जाएंगे। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, राधा रानी श्यामा श्याम की जोड़ी, दोनों एक है, एक मान के इनका भजन करो।